बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिकास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पालक पनीर की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी और मज़े की बनती है। मैंने 1 किलो पालक लिया था, इसको मैंने बॉईल करके ग्राइंड कर लिया है और 200 ग्राम के करीब मैंने पनीर ली है और इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लिया है। तो अब इसको हम कैसे बनाते हैं, चलें वो बनाते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, इसमें हम अपने पनीर को थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट ही, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। इसको हम निकाल लेंगे। देखिए जी, 1 मिनट हो गया, हमने अपनी पनीर को फ्राई कर लिया, इसको निकाल लेंगे। इसी ऑयल में मैंने ये 1 टेबल स्पून के करीब जीरा लिया है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, तो मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम अपना 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको ऐड कर देंगे और प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है। अब इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून लिया हल्दी, 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक हंसपे ज़रूरत। अब इसमें हम अपनी पालक ऐड कर लेंगे जो हमने बॉईल करके रखी है। ये पालक हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, इसे कवर करके। 3 से 4 मिनट हो गए हमारी पालक को, इसके अंदर से पानी सारा ड्राई हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, अगर आप लोगों के पास मलाई है तो आप मलाई ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, इसको 1 मिनट हमने इस तरीके से भूनना है। देखिए हमारी पालक का माशाल्लाह कलर कितना प्यारा है, ज़बरदस्त कलर आ गया। अब इसमें हम अपनी पनीर ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। बहुत ही मज़े की झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। देखिए अब मैं इसके लिए इसका तड़का तैयार कर लूँगी। तड़के के लिए मैंने लिया है देसी घी, आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। 2 से 3 जवे मैंने लहसुन के लिए इनको छोटा सा चॉप कर लिया है। अब हल्का सा इनको कर लेंगे फ्राई। ये लहसुन का कलर जब चेंज हो जाए, इसमें 1 चुटकी सिर्फ लाल मिर्च हमने ऐड करनी है। इसको मिक्स करना है और ये अपनी पालक पनीर के ऊपर हमने ऐसे, ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त सी पालक पनीर रेडी है। इसको चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी दिन अच्छी सी वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।